था कि मुझे लगा कि होली का गाना है भाई, अगर डांस नहीं हुआ, अगर डांसिंग नंबर नहीं हुआ ये, तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि होली का गाना कोई सैड नहीं बनाता है, खास करके भोजपुरी में होली का गाना जितना भी मतलब इनका भी सैड ही पार्ट था, बिकॉज कि भाई अपने पियाजी नहीं आए, तो दैट इज द लेडी काइंड ऑफ, वो सैड थी बट फिर भी वो डांस कर रही थी कि चलो यार मर्द नहीं आए तो यार इसके साथ खेल लूंगी। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो गाइज, एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रही है। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिएक्शन होली में आस बास सॉन्ग पे ऑफ खेसारी लाल यादव, हमारे सुपरस्टार, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के गाने पे रिएक्शन होने वाला है। एंड ये गाना आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, आप में से एक लोग ने रिक्वेस्ट किया था। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे सर पे हेडफोन क्यों है, तो मैंने अभी अभी एक और रिएक्शन वीडियो खत्म किया है शूट करके, एंड मैं उसमें बोलती चली गई एंड मैंने हेडफोन उतारना भूल गई मैं, सो या तो ये रीजन है इसका। तो चलिए गाना शुरू करेंगे एंड बताएंगे सारी बातें लास्ट में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा मेरा तड़कता भड़कता रिएक्शन देखने के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आए जब भी मैं आपके फेवरेट सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के वीडियो पे रिएक्शन करूंगी, तो सारा नोटिफिकेशन मिली एंड तू वीडियो मिस नहीं कर पा। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाइकर गर्ल पूजा नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये रहा नाम, तो जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे क्लिक कर लो एंड उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ब्लॉग चैनल पे भी 1K सब्सक्राइबर कराइए। तो देखते हैं गाना सैड है या फिर गाना मस्ती वाला है, होली का सॉन्ग है, मुझे तो लगता है मस्ती वाला होना चाहिए। वैसे मैंने होली के खेसारी भैया के होली के एक और गाने पे रिएक्शन कर रखा है, तो वो भी अगर आप देखना चाहे, देवरा भल देतार उस सॉन्ग का नाम था, तो जाके जरूर से देखना चैनल पे, उस पर रिएक्शन बहुत ही कमाल का था, धमाकेदार था, वो गाना बहुत ही ज्यादा डांसिंग वाला था एंड काफी ज्यादा छेड़खानियों से भरा था। तो या तो ये वाला गाना देखते हैं किस टाइप का होता है। होली में आस बा तो आस तो हमें भी है बहुत सारी चीजों की गाने से, चलो देखते हैं। ओके स्टार्ट। भैया का लुक बड़ा कमाल का रहता है यार हर गाने के अंदर। हर साल कहिए लाइन है हर साल कहो के रंग बिना तरसे कैसे संभलूं कि ना ही कहेलूं।
बात है। I am really disappointed right now. Oh God. I thought कि वो जो येलो कलर में जो भैया हमारे है वो मैडम के हस्बैंड है एंड यहाँ पे क्या क्या गाने का मीनिंग अगर हम मैं निकालू तो मतलब दैट इज की मतलब उनके पियाजी नहीं आए तो दैट इज कि वो अपने एक्स वाई जेड के साथ खेलेंगे होली। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग एंड काफी अच्छा था गाना। गाने की अगर बात करूं मैं तो गाना काफी सुंदर था, गाना काफी मजेदार था। मुझे जैसा उम्मीद था कि मुझे लगा कि होली का गाना है भाई, अगर डांस नहीं हुआ, अगर डांसिंग नंबर नहीं हुआ ये तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि होली का गाना कोई सैड नहीं बनाता है। खास करके भोजपुरी में होली का गाना जितना भी मतलब इनका भी सैड ही पार्ट था, बिकॉज कि भाई अपने पियाजी नहीं आए तो दैट इज द लेडी काइंड ऑफ वो सैड थी, बट फिर भी वो डांस कर रही थी कि चलो यार मर्द नहीं आए तो क्या इसके साथ खेल लूंगी। तो वो काफी ज्यादा यू नो मजा वाला बात था, तो वो काफी अच्छा था एंड मुझे काफी ज्यादा यू नो यूनिक चीज लगी, यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, मैंने ऐसा कभी कॉन्सेप्ट देखा नहीं था गाने के अंदर। एंड ओके क्रेडिट्स की बात कर लेते हैं, सिंगर जो है वो खेसारी लाल यादव जी है एंड फीचरिंग जो है यामिनी सिंह, जो लेडी जो थी जो वाइट में जो मतलब जिनके अरमान बहुत बड़े थे वो यामिनी सिंह जी है एंड उनका रोल जो है यामिनी सिंह ने, जी हाँ ये एक्टिंग है, ये रियल कुछ भी नहीं है। तो एंड लिरिक्स जो है वो शुभम सिंगरीवाल, ओके शुभम सिंगरीवाल जी का है, कंपोजर जो है वो शिवम तिवारी जी है एंड म्यूजिक जो है वो रजनी राजा एंड म्यूजिक ऑन एसआरके म्यूजिक पे ये गाना आया है। खेसारी भैया की आवाज, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया कि उनकी आवाज जो है काफी यूनिक है, उनका वॉइस टेक्सचर काफी अच्छा है, तो उस वजह से गाना काफी ज्यादा यूनिक बन जाता है एंड दिस इज काइंड ऑफ भोजपुरी गाना, तो मुझे मीनिंग समझ में आया एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा। बट कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार सुना ऐसा, वो चीज मैंने आपको बताया ही एंड बाकी चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी। गाना देखने में काफी ज्यादा रंगीन था, काफी ज्यादा कलरफुल था, व्हाइट कलर के वो लोगों ने कपड़े पहने थे बट भैया को येलो कलर पहना दिया था एंड वो काफी ज्यादा यू नो एक मैचिंग लग रहा था, काफी ज्यादा यू नो अच्छा लग रहा था देखने में एंड साथ में बहुत सारे कलर वलर लेके पूरे वीडियो को एक अच्छा लुक देने की कोशिश की, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा एंड अभी तक इस पे 800 के व्यूज हो चुका है, तो लोग काफी पसंद कर रहे हैं इस गाने को एंड काफी ज्यादा मजा भी आया मुझे इस गाने को सुनने के बाद। आपको कैसा लगा ये गाना एंड कैसा लगा मेरा रिएक्शन जरूर से कमेंट करके बताना, मुझे तो काफी मजा आया इस गाने पे रिएक्शन करते हुए, मैंने तो डांस भी कर लिया बीच में रिएक्शन के। तो आप लोग जरूर से बताना कमेंट में कि कैसा लगा मेरा रिएक्शन, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर से दे देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ये वीडियो। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अगर सब्सक्राइबर नहीं हो मेरे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।